शोभना जी, अतिको रहमान शोभना जी, शोभना जी मैं आग्रह करूंगा राम कदम जी से, इसको पॉलिटिसाइज ना करें। कोई मजार नहीं है वहां पर, कोई मजार कभी भी नहीं बनेगी याकूब मेमन की। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है राम कदम जी कि आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी है और आपकी सरकार सेंटर में भी है। जो मुख्य आरोपी था 93 बॉम्ब ब्लास्ट का, टाइगर मेमन अभी भी फरार है। जब तक के वो टाइगर मेमन को आप फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचाते हैं, मुंबई कर्ज ने जो झेला है, जो आज तक झेल रहे हैं, जो आतंकवाद की स्लीपर सेल की बात हो रही है, उसको आप बंद नहीं कर पाएंगे। आपको टाइगर मेमन को सजा देना पड़ेगी। आपका केंद्र बिंदु टाइगर मेमन होना चाहिए, याकूब मेमन की मजार नहीं है। दाऊद इब्राहिम भी नहीं पकड़ा गया है। मैं फिरोज साहब आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है, कब्र और मजार की राजनीति की जा रही है, या सच में ऐसे लोग इस देश की धरती पर बैठे हुए हैं जो इस तरीके से आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं और देश को कमजोर करते हैं? शोभना जी मुबारकबाद, आपका जो सवाल है बैंग ऑन टारगेट है, सेंसिटिव है, लेकिन इसका जवाब दूंगा। देखिए, दो कदावर और बहुत ही भारी भरकम वजनदार नेता बैठे हैं, दुबे जी भी हैं, राम कदम भी हैं, अलग अलग पार्टी से हैं। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू नॉट हॉबनॉब, टर्न इट इनटू अ पॉलिटिकल हॉबनॉबिंग, इसको पॉलिटिकल फुटबॉल में तब्दील ना करें। जो कानून कहता है उसके हिसाब से दोनों पार्टीज मिलके बैठें। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर शिवसेना अपोजिशन में है तो हमेशा मुखालिफत करे बीजेपी की, मिलके करिए इस काम को। दूसरी मैं सलाह देना चाहूँगा, जो मेमन का ख़ानदान है, देखिए इसको ग्लोरीफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ कब्र जो है कच्ची जो है वही रहती है, कयामत तक हज़ारों मुर्दे एक एक कब्र से उठने हैं, तो इसको पक्का ना करिए। और अगर आप ठीक है, मेमन आपके ख़ानदान के हैं, वो दुआ कीजिए, कुरान पढ़िए कि उनकी मग़फ़िरत हो, ही शुड बी रिडीम्ड, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे। सही तरीका ये है, क्योंकि ये इस्लामी तरीका नहीं है कि उस पर पत्थर लगाएं, और पत्थर लगाना इसलिए भी गुनाह है, जैसे मैंने कहा, अगर आप ये इसको पक्का कर देंगे तो अगर किसी और को दफनाना होगा अपने नियर एंड डियर वन को, जगह नहीं मिलेगी। इसको पॉलिटिकल, और आखिर में ये कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने हिंदू मुस्लिम का कहा है, देखिए हिंदू मुस्लिम के टोन और टेन्योर से उठना चाहिए। हिंदुस्तान, मैं कहना चाहूँगा तमाम मुस्लिम भाइयों से कि हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए सबसे बेहतर मुल्क हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा दोस्त हिंदू है। और आखिर में एक शेर आप सबके लिए, ख़ास तौर से दुबे जी और राम कदम जी के लिए, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना, हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। वी आर ऑल इंडियंस, घर से बाहर आते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जीव हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। एक और बहुत अच्छी आपने बात कही थी राम कदम साहब शुरू में कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें भारत माता के लिए जो करना है सब उसी के लिए, उसी पर निछावर होना है, फोकस वहीं रहना है, फोकस नहीं बिगड़ना है। ठीक है आनंद दुबे जी, माफ़ कीजिएगा, हाँ आनंद दुबे जी आपका रुख करना चाहूँगी। अब राम कदम जी ने ये बड़ी जानकारी दे दी है कि फडणवीस साहब ने जांच के आदेश दे दिए, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सरकार का साथ देंगे या फिर यहाँ पर राजनीति होती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। शोभना जी राजनीति किसने की, हमने कहा कि राम कदम जी ने सुबह एक ट्वीट किया है, कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, हमें बदनाम करने की एक नाकामयाब कोशिश की है, उनसे पूछिए। हम तो कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे, किसी भी जांच की प्रक्रिया से गुजरना होगा, हमारी सरकार तैयार है। लेकिन आप किसी के ऊपर इतना बड़ा कालिक पोत देंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थन करता है, वो हिंदू विरोधी है, वो आतंकवादियों के मित्रों द्वारा मिला जुला है, तो आप सोचिए ना कि कितना बड़ा आरोप होता है। कोई व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरकार जिससे इसका कोई लेना देना नहीं, आपने एक ट्वीट करके इतना बड़ा इशू बना दिया इस देश में। ठीक है, मुझे दिक्कत यहाँ है कि राजनीति की शुरुआत कर कौन रहा जी। अभी तक तो शिवसेना और आप भाई भाई थे, जैसे ही शिवसेना महागाड़ी का हिस्सा बनी तो वो आतंकवादियों के साथ ही हो गई। अभी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, आधी से ज्यादा शिवसेना तो आपके साथ आई गई है, तीन चौथाई, अब हो सकता है उद्धव ठाकरे भी कल आपके साथ दिखे, तो फिर क्या एकदम पाक साफ हो जाएंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस तरीके का जो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कोई ऐसा सब्सटेंशियल चीज तो पेश कीजिए ना हमारे दर्शकों के लिए। याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी मत दो, बोलने वाले तो उद्धव ठाकरे जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके आंखों के सामने, उनके घर के और दफ्तर के 1 किलोमीटर दूरी पर कब्र की मजार बनती है आतंकवादी के पास, इसके आगे क्या चाहिए आपको?
ये सारे जवाब दो तरीके से नहीं है। राम कदम जी एक्शन लीजिए मुस्तफा कमाल के खिलाफ जिन्होंने ग्लोरीफाई किया है एक कातिल को। शोभना जी क्या आपकी सरकार मुस्तफा कमाल को जेल में डालेगी? कोई मजार नहीं बनी है राम कदम जी, कोई मजार नहीं बनी है। बात पूरी कर लेने दीजिए। क्या है याकूब मेमन बचाओ सेना, ये पूरी तरह से इनका दागी चेहरा देश के सामने आया है। इन्होंने क्यों बनाया याकूब मेमन को फांसी मत दो बोलने वाले को कैबिनेट मंत्री? ठीक है, बनाना मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं है। ठीक है, अब याकूब मेमन बचाओ सेना, मेरे पास वक्त इतना ही है राम कदम जी। आनंद दुबे जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए, 10 सेकंड बस मेरे को। जिस पूर्व मंत्री की बात, ये जिस पूर्व मंत्री की बात कर रहे हैं, 15 दिन पहले बीजेपी के एक नेता ने उसी पूर्व मंत्री को अपनी गाड़ी में बिठाकर सत्ता में आप बैठे हुए, आपके बैठे हुए कुर्सी पर, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करने दे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।